मैं राकेश कुमार हूँ, मैं चोला मंडला में रीजनल बिजनेस मैनेजर हूँ और यहाँ पर हाउसिंग फिनांस वगैरह पूरे झारखंड में देखता हूँ। आपकी लाठी जो एक प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बुज़ुर्गों की अपनी लाठी तो बाद में मिलती है और कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, लेकिन अगर आपकी लाठी अगर ऐसे एक चीज़ है जो उससे पता चलता है कि आपकी लाठी कोई बन रहा है, जहाँ बुज़ुर्गों को कोई लाठी नहीं मिल रहा है वहाँ कोई बन रहा है आपकी लाठी, तो आपकी लाठी में ये कहने का मतलब है कि जो अभी क्या हो रहा है कि रिमोट एरिया में जितने भी बच्चे हो जाते हैं बेंगलोर चल जाते हैं, विदेश से चल जाते हैं, तो उनके पीछे उनका कौन देखा देख करता है, या वो उनको ऑर्फनेज में डाल दिया जाए या उनको बुज़ुर्ग वाला भेज दिया जाए, ओल्ड एज होम में भेज दिया जाए, उनका केयर वहाँ क्या होता है। तो आपकी लाठी न सिर्फ केयर ही कर रही है बल्कि उनको एहसास भी दिला रही है कि वो अकेले नहीं है, उनके साथ भी कोई है, उनको कुछ ऐसा सहायता दे रहा है, उनको अपने बच्चों की तरह लग रहा है। तो ये आपकी लाठी एक बहुत बड़ा इस युग में और इस समय में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा एक शुरुआत, अच्छी शुरुआत है, जो बहुत ही ज़रूरत है। हर घर में कोई ना कोई बुज़ुर्ग है और जिनको देखने वाला कोई नहीं है। इस युग में अगर ये श्रमण कुमार की तरह कोई कर रहा है तो ये आपकी लाठी भी कर